एक्सरसाइज का 10 नंबर सम बहुत ही इंटरेस्टिंग है. एन अमरेला हैज 8 रिम्स. एक अमरेला के पास 8 रिम्स हैं विच आर इक्वली स्पेस्ड. अज्यूमिंग अमरेला टू बी ए फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर. के मान लो ये जो अपनी अमरेला है उसका जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, इस डायग्राम में ऐसे उन्होंने शो कर दिया. ठीक है, ओके. फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कॉन्सिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अमरेला. हमने क्या है ना, इसका एरिया निकालना है. ये टू है ना, टू कॉन्सिक्यूटिव रिब्स हैं ये वाले, इनका एरिया निकालना है. तो सबसे पहले तो हमें, वैसे तो हमें ये पूरा एक सर्कल बन रहा है और उसके कुछ हिस्से का एरिया निकालना, तो हमारे पास सेक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है ना, उसके लिए थीटा चाहिए. अब थीटा कैसे निकलेगा, अब देखो सर्कल के फुल फ्लेज का एरिया कितना है. थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री है ना. सर्कल के फुल फ्लेज एरिया का थीटा निकालना हो तो 360 होता है. अब इसको डिवाइड कितने ने किया है, 8 रिब्स ने किया था. हमें 8 से इसे डिवाइड कर देंगे तो जब आप इसको कट करेंगे कट होगा 45 डिग्री पे. मतलब एक जो हमारी रिब्स है, दो रिब्स जो हैं हमारे पास, उनका जो एंगल है वो कितना है, 45 डिग्री है. ठीक है, इतनी बात होगी क्लियर में. अब हमने क्या करना है, इनके बीच का एरिया निकालना है. मान के चलो ये निकालना है, तो उसके लिए सेक्टर का फॉर्मूला है वो आपको मालूम ही है क्या होता है, थीटा ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर. अब सब कुछ मालूम है, फिल कर दो. क्या बनेगा, 45 डिग्री ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई 22 ओवर 7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर. आर कितना है, 45 मल्टीप्लाई 45. ये इसने इसको कट किया 8 पे और ये कट हो गया हमारा 11 और 4 पे. जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 22,275 ओवर 28 सेंटीमीटर स्क्वायर. जब आप इसको डिवाइड कर दोगे तो आपके पास आंसर आएगा 765.53 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये आपका नेट रिजल्ट है.